तो जी हाँ दोस्तों नमस्कार, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, आते जाते सभी भैया बहनों को देखते हुए सभी श्रोताओं को दीपू पांडे और फनादान टाइगर की ओर से प्यार भरा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो जी हाँ दोस्तों, राठौर कैसेट के माध्यम से प्यारा सा एल्बम, प्यारा सा कार्यक्रम, हास्य कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं जीतू द ग्रेट, जिनके कई कार्यक्रम आप लोगों ने पीछे देखे हैं। आपके चेहरे पर हंसी बिखेरने के लिए, सभी को हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए राठौर कैसेट की माध्यम से बड़े ही प्यारी कॉमेडी लेकर के आ रहे हैं जीतू द ग्रेट। आइए चलते हैं जीतू द ग्रेट के पास। आज देखते हैं जीतू बहुत होशियार बनता है। आज मैंने भी बेटा द्यावर चमनप्रास खाया है, बुद्धि हमारी भी काम कर रही है। आज जीतू को फंसाएंगे, और फंसाएंगे तो ऐसा फंसाएंगे कि दोबारा हमारे पास नहीं वो आएंगे। चलते हैं उनसे आज एक प्रश्न पूछेंगे। अरे जीतू दागरे पांडे जी, क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा है, कुशल मंगल है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। और सुनाइए जीतू जी, और सब बढ़िया है? ठीक है। हाँ, आपके बहुत चर्चे हमने सुन रखे हैं। बड़े चर्चे, चर्चे में भाई खर्चे होते हैं। हाँ, तभी तो चर्चे होते हैं। लेकिन आप हमको नहीं जानते। आपको देखा है कहीं? आपको हमको नहीं देखा। देखा है आपको कहीं? नादान टाइगर, टाइगर भी जिंदा है। आपको शायद हमने स्टेशन पे देखा है। क्या? हाँ, स्टेशन पे देखा है आपको। स्टेशन पर? स्टेशन पर यार हमारा क्या काम है? अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है। हाँ सुनिए जी, मैंने आपका बहुत नाम सुन रखा है जी। क्या बहुत बुद्धिमान आदमी है? बुद्धिमान है, बड़े बुद्धिमान, बहुत होशियार है। और क्या, बहुत बड़े सियार हैं। बड़े सियार हैं। शाबाश। एक बात बताओ, दो पूछे एक के साथ। ये बताओ, अगर तुम्हारे पास बुद्धि है। मेरे पास बुद्धि है, विवेक है जी। बताओ, पूछिए पूछिए। इस संसार में? हाँ, इस संसार में। संसार में? इस संसार में। हाँ, सबसे बड़ा कौन? कौन है सबसे बड़ा? कौन है? कौन है? हमको तो मालूम है, तुम बताइए। हैं? इसको मालूम है यार। और के? हमको भी मालूम है। और की? हमको भी मालूम है। आपको मालूम है? और क्या, बताइए कौन बड़ा है इस संसार में? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी पृथ्वी माँ। सबसे बड़ी पृथ्वी माँ? डाबर चमनप्रास का मामला है। सबसे बड़ी पृथ्वी माँ? कैसे बड़ी? कैसे नहीं बड़ी? कैसे बड़ी? क्यों नहीं बड़ी? कैसे बड़ी? पृथ्वी माँ तो बड़ी है। पूरी पूरी पृथ्वी पर ही मनुष्य का जग जीवन है, तो इसलिए पूरी पृथ्वी पर जब मनुष्य का जीवन है तो पृथ्वी माँ ही बड़ी है। सबसे बड़ी पृथ्वी माँ है? हाँ। नहीं बड़ी है? क्यों नहीं बड़ी भाई? अगर पृथ्वी माँ सबसे बड़ी, अगर पृथ्वी माँ सबसे बड़ी तो से जी पर काहे पड़ी? यार ये तो आदमी यार दिमागी है। समझ गए? समझ गए। क्या समझ गए? सबसे बड़ा कौन है संसार में? कौन बड़ा है? सबसे बड़ा कौन बड़ा? शेषनांग बड़े। शेषनांग बड़े? कैसे बड़े? क्यों नहीं बड़े? कैसे बड़े? शेषनांग ऐसे बड़े, शेषनांग पृथ्वी को लिए खड़े। ये बड़े? अब बता बेटा, तबीयत है? शेषनांग पृथ्वी को लिए खड़े इसलिए बड़े? हाँ। नहीं बड़े? क्यों नहीं बड़े? अगर शेषनांग बड़े, अगर शेषनांग बड़े तो शंकर जी के गले में काहे पड़े? यार ये तो सब बात काटता है यार। समझ गए? समझ गए कौन बड़ा? सबसे बड़े संसार में त्रिलोकी हमारे आदि अनादि भूत भावन। भोले भोले, भोले भाले। भोले तुम क्या भोले? अरे भोले भाले, भोले भाले, दुष्टों के लिए भाले, भक्तों के लिए भोले। हाँ। हमारे भोलेनाथ बड़े। आप बताओ बेटा कैसी तबीयत है? आप फंस गए गुरु। भोलेनाथ बड़े? कैसे बड़े? क्यों नहीं बड़े? कैसे बड़े? भोलेनाथ इसलिए बड़े। कैसे बड़े? कैसे बड़े? आदमी हो कि भगवान? भगवान तो
अच्छा शैतान। ये बताओ, पूछे भोलेनाथ ही बड़े बड़े? हाँ भोलेनाथ बड़े बड़े। हाँ कैसे बड़े? क्यों नहीं बड़े? कैसे बड़े भोलेनाथ? इसलिए बड़े हाँ, क्योंकि शेषनांग को अपने गले में लिए खड़े। भोलेनाथ बड़े बड़े। अगर भोलेनाथ जी बड़े तो कैलाश पर्वत पर काहे खड़े? यार ये बात सही है यार, ये आदमी यार सब बात काटता जा रहा है। अब हम समझ गए बेटा, इधर मूछ है उधर बिना मूछ है। और क्या, अब हम समझ गए क्या सबसे बड़ा कौन है? कौन है सबसे बड़े? पर्वत बड़े। पर्वत बड़े? पर्वत बड़े। पर्वत बड़े? पर्वत बड़े। सही बात? बिल्कुल कसम से। सच्ची मुच्ची लुच्ची? सही बात। सबसे बड़े पर्वत? और क्या, पर्वत कैसे बड़े? पर्वत ऐसे बड़े क्योंकि भोलेनाथ को लिए खड़े। कैसे बड़े? भोलेनाथ को पर्वत पर खड़े, इसीलिए पर्वत बड़े। पर्वत अगर बड़े हाँ। अगर पर्वत बड़े हाँ। दांत ना दिखा बेटा बात ना। पर्वत बड़े हाँ। अगर पर्वत बड़े तो हनुमान जी हाथ में लेकर क्यों उड़े? अरे यार ये तो यार कहाँ 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 अरे यार समझो यार, पर्वत भी नहीं बड़े हाँ। अब हम समझ गए समझ गए क्या सबसे बड़ा कौन है? कौन है? अनंत बलवंत गुणवंत हनुमंत लाल बाबा हनुमान जी महाराज सबसे बड़े। आप बताओ बेटा क्या हालचाल है? अनंत बलवंत गुणवंत हनुमंत का? हनुमंत लाल महाराज बड़े। बेटा ट्यूशन लगा। बेटा आप फंस जाएंगे। ट्यूशन लगाओ तभी तो कह रहे हैं। हनुमंत लाल बड़े नहीं बड़े? क्यों नहीं बड़े? कैसे बड़े? हनुमंत लाल इसलिए बड़े हाँ, क्योंकि पर्वत को लेकर के उड़े। हनुमंत लाल बड़े? अगर हनुमंत लाल बड़े अगर हनुमंत क्या हुआ बेटा क्या हुआ? अगर हनुमंत लाल जी बड़े तो राम जी के चरणों में काहे पड़े? का बात बेटा, जिस खराब है का यार, क्या खाते हो? भीमसेनी काजल झंडू बाम एक बाम दो काम चटमलो पट्टा राम। यार पर्वत नहीं बड़े हनुमान जी भी नहीं बड़े ना? तो इसका मतलब आप बेटा हम समझ गए, इधर भी सब जावत च्यवनप्राश का कमाल। क्या अगर हनुमान जी नहीं बड़े तो अवधपति राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या के राजा हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वही संसार में सबसे बड़े। रावण का वध करने वाले रामचंद्र जी महाराज बड़े? राम जी बड़े। राम आप बताओ बड़े। बेटा राम जी बड़े? बड़े। राम जी बड़े? राम जी बड़े? राम जी बड़े क्या हुआ? राम जी बड़े क्या बेटा? फंस जाएंगे। आप बताओगे नहीं तो बेटा जान लो हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी, देखने वाले मार खाएंगे। अच्छा हम लड़ाई नहीं लड़ते हैं, अगर पास में कोई अस्पताल होता है लड़ाई तभी लड़ते हैं हम। क्यों? पता नहीं कब भर्ती होना पड़ जाए। भाई राम जी बड़े अगर राम जी बड़े अगर राम जी बड़े तो सीता जी के चक्कर में काहे पड़े? बात यार काहे पड़े काहे पड़े समझ गए समझ गए हाँ। इस संसार में कौन बड़ा? कौन बड़ा? भूमि से पैदा होने वाली भूमिजा माँ जानकी जगत जननी माँ सीता, माँ सीता बड़ी वही संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे बड़ी।
माँ सीता हाँ बड़ी बेटा बताओ बेटा बड़ा हम इनको भी नहीं होने देंगे फिर कैसे नहीं सीता माँ बड़ी हाँ कैसे बड़ी क्यों नहीं बड़ी कैसे बड़ी सीता माँ सबसे बड़ी अगर सीता माँ सबसे बड़ी क्या है बेटा बेटा तुम दबा के निकलना होगा ताकत कम गुस्सा ज्यादा मार खाने का भरपूर इरादा दादा 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 कौन बड़ा बताओ सीता माँ बड़ी हाँ बताओ बताओ सीता माँ बड़ी अगर सीता माँ बड़ी तो पृथ्वी से काहे निकली हम जानते थे हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे आखिर में वही पृथ्वी माँ ही बड़ी है बोलिए पृथ्वी मैया की गौ मैया की जन्म देने वाली मैया की जय हो।